और जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि जब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो और भी कई प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, रूस से तेल और गैस नहीं लेगा अमेरिका, ये जानकारी दरअसल दी गई है। और खबर बड़ी है, दरअसल अमेरिका के बाद ब्रिटेन की रूस को लेकर घेराबंदी लगातार जारी है, ब्रिटेन लगाएगा रूसी तेल के आयात पर। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी, रूस से तेल और गैस नहीं लेगा अमेरिका, प्रतिबंध लगाया गया रूस पर। तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन की रूस को लेकर घेराबंदी भी नजर आई है, ब्रिटेन लगाएगा रूसी तेल के आयात पर रोक। तो बड़ी जानकारी, रूस की को लेकर लगातार जो तमाम देश हैं वो प्रतिबंध लगा रहे, साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। और इससे पहले भी देखा गया था कि अमेरिका ने एयर स्पेस पर रूसी विमान को लेकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अमेरिका रूस को लेकर लगातार अपने जो हलचल है वो तेज करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिका ने प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल, खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बयान लगातार दे रहा है और प्रतिबंध यूं कहिए कि रशिया पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन पुतिन की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया है कि अगर किसी तरीके के भी प्रतिबंध हम पे लगाए जाते हैं तो वो युद्ध के बराबर है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन सिर्फ मुहरा है और हम देख रहे हैं कि दो सुपर पावर देशों के बीच इस वक्त जंग चल रही है। बात रशिया और अमेरिका की करें, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर देश है लेकिन रशिया उस लाइन में और आगे आना चाहता है, और रशिया की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि अगर हम पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो युद्ध जैसा होगा। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका आर्थिक चोट कहीं ना कहीं रशिया को देना चाहता है, ताकि चारों तरफ से रशिया को घेरा जा सके। फिलहाल हम देख रहे हैं कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं दो सुपर पावर के बीच का युद्ध लग रहा है कि अमेरिका और रशिया का इस वक्त युद्ध चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकल वार हम खास तौर पर देख रहे हैं। और ऐसे समय में अगर इकोनॉमिकल वार होती है तो हर तरीके से आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी करने का काम सुपर पावर देश अमेरिका इस वक्त करेगा और कर भी रहा है, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त हम आपको बड़ी दे रहे हैं कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस की घेराबंदी कर दी है और ब्रिटेन भी रूस तेल के आयात पर रोक लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश हैं जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन अपना अपना फायदा हर एक देश देख रहा है और अमेरिका इसमें अव्वल नंबर पर है। रूस से तेल को लेकर ये बात कही जा रही है, अमेरिका के बाद ब्रिटेन की रूस को लेकर घेराबंदी नजर आई है, ब्रिटेन लगाएगा रूसी तेल के आयात पर रोक। तो प्रतिबंध रूस पे लगातार लगाए जाए, साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का ये ऐलान किया गया है ब्रिटेन की ओर से, रूस से तेल और गैस नहीं लेगा अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्रिटेन की रूस को लेकर घेराबंदी नजर आई है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ने जहां पर पूजा तेल के आयात पर रोक लगाने की बात कही है, वहीं पर ब्रिटेन भी सामने आ गया है और आयात पर रोक लगाने का ऐलान ब्रिटेन की तरफ से भी कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त भीषण युद्ध लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध देखने को मिल रहा है, तो भारी तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिकल वार भी चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तीन फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है। एक इकोनॉमिकल वॉर हो रहा है, एक साइबर वॉर हो रहा है, और ज़मीन से आसमान तक किस तरीके से वॉर चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जब इकोनॉमिकल वॉर हो रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है।